न प्रभात संस्था कृति के सदस्य हम रूपम अग्रवाल आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन करते हुए आज बाल विवाह जैसे चिंतनीय विषय पर अपने कुछ विचार बिंदु रखना चाहेंगे कि आखिरकार आज के आधुनिक परिवेश में भी यह प्रथा क्यों और कैसे प्रचलित है, कैसे पनप रही है। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा की कमी के कारण लोग बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण वह अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि कम उम्र में शादी करना एक धर्म और पुण्य का कार्य समझते हैं। दूसरा कारण गरीबी है। घर की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए भी बाल विवाह किए जाते हैं, ताकि आय बढ़ाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए भी घर में बाल वधुएं लाई जाती हैं। तीसरा, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अधिकांश लोग ग्रामीण हैं, जो कृषि और पशुपालन द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, और इसीलिए उन कार्यों में हाथ पटाने के लिए भी बाल विवाह किए जाते हैं, ताकि मानव शक्ति उपलब्ध की जा सके। हाँ दोस्तों, और बाल विवाह का एक ऐतिहासिक कारण भी है कि मुगल शासकों के बाद हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बद से भी बदतर हो चली थी। बाद में जब विदेशी ताकतों ने हमले किए, फिरंगियों ने हमले किए, तो उनकी बुरी नजर से बचने के लिए, परिवार की बेटियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसने कि आगे चल के कुप्रथा और कुरीति का रूप धारण कर लिया। हाँ दोस्तों, आज यदि हम इसके दुष्प्रभाव पर जाएं, तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे बच्चों का मानसिक विकास का रुक जाना है, उनकी उच्च शिक्षा का रुक जाना है, उनके बचपन के छिन जाने का है, और विशेष रूप से बालिकाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं, और जब वह छोटी उम्र में गर्भवती होती हैं, तो कारोबार की अधिकता के कारण, अशिक्षा के कारण, यौन व्यवहार के प्रति अज्ञानता के कारण उनका जीवन भयंकर खतरे में आ जाता है, और कभी कभी ये बाल वधुएं यौन संक्रमण और एड्स जैसी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, दुर्भाग्यवश यदि कोई बालिका विधवा हो जाती है, यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वह बचपन से ही एक वैभव भरा, दर्द भरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है, और जब इनके पति बड़े होकर शहर व्यवसाय या नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहां पर वे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और गांव में की हुई, बचपन में की हुई शादी को वे अनदेखा कर देते हैं, और ऐसे में बिचारी ये बाल वधुएं पारिवारिक और सामाजिक उलाना और प्रताड़ना सहते हुए जैसे तैसे अपना जीवन काटती हैं। और कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई दोस्तों। प्रसव के दौरान इनके बच्चे अधिकांशतः अपरिपक्व, कम वजन वाले और कुपोषण का शिकार होते हैं। साथ ही माता और शिशु, इन दोनों की मृत्यु का खतरा निरंतर बना रहता है। दोस्तों, बाल विवाह से देश की जनसंख्या में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही माता और शिशु इन दोनों की मृत्यु में भी वृद्धि होती है, इनके भी आंकड़ों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। हाँ दोस्तों, बाल विवाह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, जिसका त्वरित इलाज होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हमारे बच्चों को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, गरीब समुदाय की बच्चियों के लिए निशुल्क शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, आत्मनिर्भर, आत्म सशक्त बनाया जाए, ताकि ये बच्चियां ही, ये बच्चे ही बाल विवाह का खुलकर विरोध कर सके, उनका उल्लंघन कर सके। इनके माता पिता को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में खुलकर चर्चा परिचर्चा की जाए, ये समझाया जाए कि बाल विवाह जो है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही जान मान की हानि का जरिया बनता है, और इसके लिए हम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, साधु सज्जनों का, धर्म से जुड़े लोगों का, और कार्यकारिणी एक रजिस्टर्ड एनजीओ की भी मदद ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए अनेक प्रभावी कानून और नीतियां गढ़ी, परंतु ये समस्या आज भी जो कि त्यों ही बनी हुई है। क्योंकि हम राजस्थान की तरफ जाएं, तो वहां देखेंगे कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा वाले दिन
आज भी सैकड़ों और हजारों बच्चे इस सामाजिक बुराई की बलि चढ़ाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, शिक्षा और जागरूकता ही इसका एकमात्र विकल्प है, और यदि हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान और उसकी प्रगति चाहते हैं तो इसके लिए हम सबको मिलकर इस कुप्रथा पर पूर्ण विराम लगाना ही होगा। धन्यवाद।